अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिया, राजीव, रिया, रिया कौन है? रिया, 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 अरे ये अचानक काहे बेहोश हो गई? अरे ये तो रिया है, रिया। अरे भाई मानो, इसको यहाँ किसने आमंत्रित किया है? कि अचानक से बेहोश कैसे हो गए? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। कुछ रोज? आप लोग कमरे से बाहर जाइए प्लीज। रिया, राजीव, अभी आप उनका नाम लिए। रिया जी को कैसे जानते हैं आप? मिसेस चंदेल, प्लीज अंदर आइए, आपकी हेल्प की जरूरत है। ये क्या तमाशा है? ये होली के बीचों बीच ये रिया कैसे आ गई? किसने इनवाइट किया इसको इस होली पार्टी में? इसके यहाँ होने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? तूफान। सिर्फ आने के लिए आई है या किसी मकसद से आई है? अरे जो भी हो, पर उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम में से किसी को पलक भी नहीं लगी और होली के दिन चंदेल भवन में घुस गई है? कुछ महक सी आ रही तुमको? हम ये कमरा साफ किया था ना, तो कमरा साफ करने के बाद छिड़कते हैं ना ऐसे ऐसे से। रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ हाँ, वही फ्रेशनर, वही उसी का आ रहा है। ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। रिया, राजीव, राजीव, अरे भाई रिया यहाँ कैसे और क्यों आई जानते हो तुम? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया उसको यहाँ? दादा, उसको बुलाने का मतलब समझते हैं आप? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? हम बुलाएंगे उसको। अरे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है उसने, उसके बाद हम बुलाएंगे उसको यहां। उन्हें बुखार आ गया, अभी कुछ दिन रेस्ट की जरूरत है। मैंने दवाइयां और इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, चलिए। डॉक्टर, रिया को स्टोर में छुपा रखा था। आप जानते हैं? हमें नहीं, सब जानते हैं इसे। आइए डॉक्टर साहब। मुसीबत ही होगी, क्यों नहीं समझ रहे हो? बुआ जी, रिया जी मुसीबत नहीं है,
वो मुसीबत में है, हम जानते हैं। तुम कैसे जानते हो? वो इसलिए बड़का बाबू के हम ही तो लेके आए थे ना उनको घर में। क्या तुम उसे यहाँ लेके आई? हाँ हाँ चाचा जी, काई की वो बहुत मुसीबत में थी। तो ये सब तुम्हारी करतूत, काफी दिनों से इसको यहाँ पर छुपा के रखा है ना तुमने। अब समझ में आया हमारे, ये छुपने छुपाने के कारण तुम्हारे चेहरे की हवाइयां हमेशा उड़ी रहती थी, होश उड़े हुए थे, ध्यान कहीं और था, यही वजह थी ना। अरे तुमको मालूम भी है कि तुम किसको लेकर आई हो? नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमको तो उनका नाम तक नहीं पता था। अरे छोड़ो वो सब बातें, बात ये नहीं दादा, वो लड़की इस घर में और नहीं रह सकती है, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी वक्त यहाँ से बाहर करो इसको। बड़का बाबू ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? देखे ना कैसा हालत है, इस हालत में कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी? ऐसे तो मत कीजिए ना। अब देखे ना डॉक्टर साहब क्या बोले कि अभी उनको ना एकदम आराम का जरूरत है, तो ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा कहा है कि आप सब उनको देख के इतना परेशान हो गए हैं, मतलब कौन है वो, और ऐसा कौन सा मुसीबत लेके आई है कि बीमारी में भी दो दिन यहाँ नहीं रुक सकती? और राजी बाबू आप उनको देखते ही दौड़ गए थे संभालने के लिए, नाम भी लिए रिया, पहले से जानते हैं आप। पैसे रखो और इंतजार करो। पर सर वो मैडम जाना होगा, जाएंगी एयरपोर्ट जाना है, थोड़ी देर इंतजार करो। तो तुम जानते थे? तो तुम दोनों शामिल थे इसमें, घर में इतने दिनों से किसी को छुपा के रखा और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। और तुम, अरे तुम तो जानते थे रिया के बारे में, उसके बावजूद? नहीं नहीं राजीव बाबू, इनको नहीं पता था, ये नहीं मिले रिया जी से, ये तो घर के बाहर थे, ये तो अंदर थे ही नहीं, ये तो अभी आए घर के। हम नहीं जानते थे कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, अगर जानते तो कभी नहीं करते। वहां अंदर ना हम कुछ बोल नहीं पाए, पर हैरानी होती है हमें को कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। इतने दिनों से एक व्यक्ति को घर के अंदर छुपा के रखा और हमें पता तक नहीं तुम। राजीव बाबू हमको बताने तो दीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। अरे बात तो सुन लीजिए राजीव। हेलो इसको टैक्सी में, हेलो ड्राइवर इधर आओ, लेके जाओ इसे जहाँ छोड़ के आना था, जल्दी करो। लेकिन ये तो बेहोश है सर। अरे होश रास्ते में आ जाएगा, लेके जाओ। क्या कर रहे बड़का बाबू, ऐसा मत कीजिए ना। तुम चुप रहो, बाहर रहो इस मसले से, नहीं रहेगी चंदेल भवन में, चुप चुप। पर बड़का बाबू, अरे बोला ना चुप करो, पहले ही बिना बोले इतनी बड़ी मुसीबत को घर में ले आई। पर बोल रही है संजीव, चलो जल्दी लेके चलो, चलो बताओ। सुनिए चलो जल्दी। अरे क्या कर रहे हैं आप? संजीव आराम से चाचू, एक बीमार बेहोश लड़की को देख क्या रहे हो, गेट खोल फटाफट। राजीव बाबू भले इन्होंने कितना में नुकसान किया आपका, इंसानियत तो है ना आपने, इतना कठोर और निष्ठुर कैसे हो गए आप? हाँ बीमार अब बेहोश को कैसे भेज सकते हैं, देखिए ना आप बेहोश है राजीव बाबू। राजीव रुक जाइए, लेके चलिए इसको अंदर। ये क्या कह रहे हो तुम? एक बार होश में आ जाएगी फिर देखते हैं। ये फैसला सही नहीं है ना। प्लीज बाबा होश में आ जाने दीजिए ना एक बार। और आप लोग प्लीज इसे अंदर लेकर चलिए। हाँ चलिए चलिए, बिछाना में लटा दिए हैं। लेकिन अभी भी बेहोशी हैं।
हमको एक बात पूछनी है तुमसे। ये तुमको मिली कहाँ पे? और इसको तुम घर पर कैसे लेकर आई? शिवरात्रि के दिन ना आप सब लोग भांग के नशे में सो गए थे। हम बहुत कोशिश की आप सबको उठाने का, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहते तो हम अकेले चले गए। हमको एक फोन आया था। हेलो, अंजनी मिलना चाहती है तुमसे। जा रही है वो ये शहर छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। पहाड़ी वाले उसी इलाके में आकर मिलो तुरंत। अंजनी दीदी, ये सब ढोंग है, इसका सब नाटक है। मक्कार है ये लड़की, मक्कार। ये सब कपट है इसका, इस घर में आने का, और कुछ नहीं। कहाँ है ये लड़की? इस घर के लिए एक श्राप जैसे पहले थी। ये लड़की अफसरवादी एहसान परामोश है। कू तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा के घर में घुसना चाहती थी वो लड़की। नहीं नहीं बुआ जी, बड़का बाबू ऐसा नहीं है। जब हम उनको लेके आए थे ना, तो उनको पता ही नहीं था कि हम यहाँ लेके आ रहे हैं। और वो तो लगभग बेहोशी थी, और जब उनको होश आया तो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, हमको जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमको हमको मर जाने दो। तुमने ये सब बातें हमको क्यों नहीं बताई? क्यों क्यों छुपाया हम सब पे? क्यों? अपना परिवार को खतरे से बचाने के खातिर। प्रिया जी हमको बताई थी कि अगर इस घर के बारे में पता चला क्या कि मैं यहाँ हूँ, तो इस घर को, तुम्हारे इन लोगों को, सबको खत्म कर देंगे। आप ही बताइए हम क्या करते? अपना परिवार को जान जोखिम में डाल देते, नहीं ना? और हमको लगा एक दिन बाद ही रिया जी यहाँ से निकलने वाली, तो हम उनको निकलने में बस मदद कर रहे थे। उनका फोन भी भुला गया था, तो उनको किसी से बात करना था, हम अपना फोन भी दिए थे उनको। क्या? अरे और तुम्हारे फोन से रिया ने नटवर को फोन किया, और पुलिस तुम्हारा फोन ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच गई। हाँ, ये गलती तो हुआ, लेकिन आप लोग भी तो हमको नहीं बताए ना कि आप लोग नटवर सिंह को जानते हैं। हमको लगता है रिया किसी मुसीबत में है, हमें बाहर आना होगा। चंदेलो ने मदद की बात की है। जुबान चला और बोलना बताना शुरू कर, बता सब कुछ। पर कुछ भी छूटा तो तुझे जुबान है हलक से निकाल कर अलग कर दूंगा। अरे अभी नटवर को छोड़ो, अभी तो तुम हमको ये बताओ कि रिया को किस बात का डर है, कौन पड़ा है उसके पीछे, किससे छुपती फिर रही है वो। कू सच सच बताना हमको, तुमको तुम्हारे भोले बाबा की कसम, बताओ हमको। बोलो कू, बोलो हमको। वो अपने पति से बच के भाग रही। रिया शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, लेकिन उनका तलाक का अर्जी ना अदालत में है। तलाक? हाँ, उनके जो पति है ना वो बहुत खतरनाक है, वो दरिंदा आदमी है, बहुत तड़पाए हैं रिया जी को। और सुनने में तो ये भी आया है वो बड़का बाबू का कहते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही घमंडी आदमी है। उनका साठ गांठना पुलिस के साथ भी है वो आदमी का। तभी तुमको रिया जी कही थी कि खतरा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि हम आप लोग को नहीं बताते। हमको लगा कि चुपचाप से वो निकल जाएंगी, उनको कहा पता था कि सब गड़बड़ हो जाएगा।
रिया, गोहू राजीव, जो कुछ भी है हमारा इस मसले से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग भी ना कान खोलकर सुन लीजिए, हमारा रिया से कोई लेना देना नहीं, और आप लोगों का भी उससे ना कोई लेना देना होना चाहिए और ना ही कोई सरोकार होना चाहिए। उसका उसके पति के साथ कैसा संबंध है, वो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कैसे बोल रहे हैं आप? उनके पीछे पुलिस पड़ी है, गुंडा लोग पड़ा है, और आप ऐसा बात करें, आप कैसे ऐसे बोल सकते? क्योंकि उसका इस परिवार के साथ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही कोई नाता। उसके मसले उसके हैं, हमारे नहीं। हाँ, क्या किए हो, कौन सा अपराध किए, बोलिए ना। ऐसा क्या कर दी है कि आप लोग सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ, बोलिए ना हमको, बताइए। बोल राजीव बाबू, रुकिए, कुछ पूछ रहे हैं। 3 साल पहले तक जानते थे हम उसको, हमारी आंखें जाने से पहले तक। मैंने आप उनको जानते थे? कैसे? राजीव और मेरी शादी होने वाली थी, पति पत्नी होने जा रहे थे हम, शादी होने वाली थी राजीव और मेरी, पति पत्नी होने वाले थे हम, पति पत्नी होने वाले थे ना, पर हुए नहीं। फिर इस घर में क्या कर रही हो तुम? अब किस मकसद से आई हो तुम यहाँ, और क्या बर्बाद करने आई हो? कोई मकसद कोई वजह नहीं है, मुझे चंदेल भवन लाया गया है, मुझे तो पता भी नहीं था, बेहोश थी मैं, वो मुझे यहाँ लेकर आए। ठीक ही कह रही है, हम ही लेके आए हैं इनको यहाँ, यहाँ आने में इनका कोनो दोस्त नहीं है। अब तो होश आ गया है ना, चलो दफा करो इसको यहाँ से, बंदोबस्त करो इसका यहाँ से निकालने का। खड़ी क्या, निकलो यहाँ से। कर रही है मौसी जी आप? मौसी नहीं, तुम्हारी सास है हम। हाँ वही, छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। क्या हो गया आप लोग को, मतलब होश में आ गई तो घर से बाहर निकाल देंगे?
डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि इनको आराम का जरूरत है। हम बेवकूफ नहीं है कुहू, जो इसको घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना, इसीलिए कह रहे हैं तुम इस मसले से ना दूर रहो। बिल्कुल सही कह रही है प्रभाती, तुम इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। दूर रहो इस मसले से, दूर। हम दूर रहेंगे, लेकिन जो भी है ना वो सब पुराना बात है। जो कुछ भी हुआ है ना अतीत में हुआ है। अभी हमको बस इतना पता है कि वो बीमार है, बाहर जाएंगे तो उनको खतरा है, तो ऐसे में घर से बाहर निकालना उचित होगा। का बड़ी की बहू होने के नाते हमारे बात का मान रख लीजिए, मान नहीं तो कम से कम अरजी स्वीकार कर लीजिए। जब तक ठीक नहीं होती ना, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होती ना, तब तक हमारे मेहमान के नाते यहाँ रहेंगे। आप लोगों के ऊपर कोनो बोझ नहीं होगा, कोनो बोझ। हम उनको अपने कमरे में रख लेंगे, उनका सेवा चाकरी सब करेंगे, हमको नौकर चाकर का भी जरूरत नहीं है। ठहरो, ये हमारे कमरे में नहीं रहेगी।